पॉजिटिव बजट था, आवाम का बजट है, तरक्की का बजट है, पाकिस्तान की खुशहाली का बजट है, गरीब का बजट है, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी को सामने रखा गया है। एक्सपोर्ट पे ज़ोर दिया गया है, इंडस्ट्री की जो है बढ़ोतरी पर ज़ोर दिया गया है, रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, एक अवामी बजट है। सबसे बड़ी बात, महंगाई के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। उसके सबसे बड़ी मिसाल ये है कि IMF ने कहा था, उसका मुतालबा था कि मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ। इमरान ख़ान साहब के विज़न के मुताबिक शौकत तरीन साहब ने उनका ये मुतालबा मानने से इनकार किया, क्योंकि अगर टैक्स मज़ीद लगाए जाते तो उसका बोझ आवाम पर पड़ना था और फिर महंगाई होनी थी। तो ये अमली सबूत है इस बात का कि वज़ीर आज़म चाहते हैं महंगाई का खात्मा हो और आवाम का मियार ज़िंदगी बुलंद हो। ज़राअत को बहुत फोकस किया गया है, आपने देखा गुज़श्ता काफ़ी महीनों से जब हमारी मईशत संभली है और हमें उन चैलेंजेस का जो सामना था उससे हम निकले हैं और मईशत जब तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो अब वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर को फोकस किया है और ज़राअत की तरक्की में ही मुल्क की माशी तरक्की है। और ज़राअत के लिए बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे, फर्टिलाइज़र सीड की टेक्नोलॉजी पे काम होगा और छोटे काश्तकारों को एग्रीकल्चर बैंक के अलावा भी कमर्शियल बैंकों से भी ट्रैक्टर के लिए, उनके इम्प्लीमेंट्स के लिए, सीड के लिए, ज़रिए अद्वियात के लिए कर्ज़े दिए जाएंगे।